हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी वेलकम टू यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीष, आप सभी के साथ। और आज हम ड्रीमलैंड गेम का पार्ट 5 लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारी चैनल के न्यू मेंबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोग ये गेम और को भी दे पाएँ और को भी ये ट्यूटोरियल दे पाएँ और आपके साथ और लोग भी खेलें। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोग को सिखाएंगे ड्रीमलैंड के अंदर कि जो मैं बेसिकली 23 लेवल पर हूँ और 23 लेवल पर हूँ और आज हम आप लोग को एक्टिविटी में जो 20वें लेवल के जो टास्क होते हैं वो किस प्रकार कंप्लीट किए जाते हैं, आज मैं वो आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मॉन्स्टर्स किस प्रकार सर्च किए जाते हैं, ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ आज ये भी बताऊंगा कि हम वेपन या मेडिसिन किस प्रकार हम परचेस कर सकते हैं, ये भी आज हम बताएंगे। तो बिल्कुल गेम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे ड्रीमलैंड गेम के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ऑडियो गेम फॉर द ब्लाइंड सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ गेम्स के अलावा और कोई एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको जॉन से गेम चाहिए, चाहे वो पीसी हो चाहे वो एंड्रॉयड हो, वहाँ पे आपको हर तरह के उस चैनल के अंदर गेम मिल जाएंगे, तो वो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। और यदि वो नहीं सर्च हो पाता है तो कृपया मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं सीधा अपने लिंक का जो चैनल है वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, वो मैं सीधा रिप्लाई बॉक्स में दे दूंगा। तो एक नूर जहाँ जी का एक मेरे पास कमेंट आया है कि मुझे संदेह है, यानी कि मुझे डाउट हो रहा है कि हम गेम पर वापस कैसे जाएंगे और हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे ऑप्शंस में जाना है। तो नूर जहाँ जी, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तो उस समय नहीं कर पा गया, लेकिन अब मैं कर देता हूँ। उसका आंसर ये है कि हमारे दो भागों में स्क्रीन बटी हुई होती है, एक ऊपर की तरफ को एक नीचे की तरफ को। नीचे की तरफ जो स्क्रीन बटी हुई होती है वहाँ से स्किल फाइट होती है, और जो ऊपर की स्क्रीन बटी हुई होती है वो जो है ड्रीमलैंड के, जैसे मान लीजिए हमें टीम कोई सर्च करनी है, मॉन्स्टर देखना है, या एनपीसी लिस्ट देखनी है, एनपीसी देखनी है, या किसी फ्रेंड ने हमें मैसेज तो नहीं किया वो सब देखना है, तो वो हम ऊपर की स्क्रीन में नीचे डाउन स्वाइपिंग रहेंगे, यानी कि जो हमें जो फिंगर होती ना उसको हम नीचे खिसकाते रहेंगे झटके से, तो वो आपको वो ऑप्शन वो ऊपर की तरफ को होगा। लेकिन जब आप फाइटिंग स्किल करेंगे तो आपको नीचे की स्क्रीन में अप डाउन राइट लेफ्ट या राइट लेफ्ट अप डाउन करके फाइटिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपके कमेंट का आंसर है। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप बताने के लिए शायद कुछ नहीं है, तो आज हम देखेंगे कि 20वें लेवल का कैसा टास्क कंप्लीट होता है और मॉन्स्टर्स किस प्रकार से सर्च किए जाते हैं और किस प्रकार से वेपन या मेडिसिन खरीदी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। पिछली बार मैंने आप लोग को सीक्रेट लैंड में किस प्रकार टास्क कंप्लीट किया जाता है वो बताया था, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी वो मैं बता देता हूँ। सीक्रेट लैंड में जब आप लोग जब टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप उस मॉन्स्टर को किल कर लेते हैं और आपको इतने गोल्ड मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपके पास एक रिवॉर्ड आता है जो कि आपको टास्क लिस्ट में मिलेगा। आपको उसको डबल टैप करना है और आपको यानी वो रिवॉर्ड लेने जाएगा, मतलब रिवॉर्ड को लेने जाएगा, और आप जब उसको कलेक्ट करेंगे, यानी कि डबल टैप करके कलेक्ट करेंगे या स्वाइपिंग अप करके कलेक्ट करेंगे, तो आपको वो उस रिवॉर्ड में से कुछ ना कुछ निकलता है। हो सकता है कि कभी इंगित निकल सकता है, या हो सकता है कभी आप हो सकता है कि कुछ सीक्रेट बुक निकल सकती है, और कुछ वेपन निकल सकता है, या मतलब गोल्ड निकल सकता है, मतलब कुछ भी निकल सकता है एक्स वाई जेड उस रिवॉर्ड में। ओके, तो ये है उसका फंडा सीक्रेट लैंड का। तो इसलिए हमको रोज़ सीक्रेट लैंड पर फाइट कर लेनी चाहिए, मतलब हमें वहाँ पे टास्क डेली कंप्लीट करना चाहिए अगर यदि हो सकता है तो। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आई थिंक हो सकता है ये वीडियो भी मेरा लंबा जाएगा क्योंकि मुझे इसमें तीनों चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम इस गेम के ज़्यादा पार्ट्स को हम नहीं बनाना चाहते, तो
इसलिए हम चाहते हैं कि क्योंकि अभी और भी गेम्स हैं बनाने के लिए, तो इसलिए अभी हम ड्रीमलैंड को जितना हो सके उतना हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं और आप लोग को भी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी जितना आप लोग खुद एक्सप्लोर करोगे। ओके, तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लेयर ओपन करेंगे और हाँ, स्वाइप डाउन से मेन मेन्यू में शायद आता होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो सिंगल टैप एंड होल्ड रहता हूँ तो वो लेयर ओपन खुल जाता है, मतलब मेरा मेन मेन्यू खुल जाता है, यानी कि ऊपर की स्क्रीन में, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि दो भागों में हमारी स्क्रीन बटी हुई होती है, तो मतलब आप लोग को सिंगल फिंगर से डबल टैप एंड होल्ड रखना है, वहाँ पे आपको अब वो लेयर दिख जाएगा, ओपन हो जाएगा ऊपर की स्क्रीन में। Ready button, back button, auto back button, aim button, steel button, mouse button, red button, schedule button. Schedule पे swiping up कर देते हैं. Earth activity value 0, 25 activity needs to receive 1 stage reward. हाँ दोस्तों, आपको बता दो कि जब हमारा जब ये main menu open हो जाता है, जब हमारा layer open हो जाता है, तो हम screen हमारी उस समय एक ही part में रहती है, okay? Daily activities. ये daily activity में हम click करेंगे. Hill Mountain Thief, require level 1 today, finish times 20, daily total finish times 20. A large number of goals can be awarded when you Hill Mountain Thief that you do mention in the first 20 times a day. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी जो टास्क आ रखे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिवॉर्ड जो लेवल वन वाला जो टास्क है, जैसे कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है और हमें यहाँ से बहुत सारे गोल्ड्स मिलते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एडवाइस देना चाहूँगा, एडवाइस नहीं है, बहुत बड़ा कंपल्सरी है कि आप लोग सबसे पहले जो 20वीं लेवल वाले जो टास्क होते हैं उसको आप पहले उसको ले लीजिए, यानी कि आप पहले उसको ले लीजिए, उसके बाद जा करके इन सब चीज़ों को कंप्लीट करिए, जैसे सीक्रेट लैंड है ये सब बाद में तब कंप्लीट करिए, इनको पहले मत कीजिएगा। Secret exploration, require examination questions, require level 4 task, require level 20 today, finish times 0, daily total finish times 1, activity value reward every time, 20, experience, fate and Titan stone rewards can be obtained by taking and completing chivalrous tasks as child. हाँ, एक चीज़ मुझसे मिसिंग हो गई है, अगर आप लोग 19th ऑफ लेवल में अगर आपको दिक्कत आती है मतलब 20 लेवल में जाने के लिए, तो आप लोग मैं आपको बताऊंगा, आज हम ये भी चेक करेंगे कि मॉन्स्टर्स को हम कैसे सर्च करते हैं, तो उसी में आपको ये चीज़ें दी जाएंगी कि हाँ कि हम 20 लेवल पर कैसे जा सकते हैं। तो चलिए ये और टास्क में हम क्लिक करते हैं। Examination questions, similar tasks, require level 20 today, finish time 0, daily total finish time 1, activity value reward every time, 20, experience, Titan Titan Stone rewards can be obtained by Titan, and completed similar tasks at Shayu. तो ये silver tasks पे हमें क्लिक करना है. Starting model move, don't have to be. आज हम लोग task complete करेंगे. Don't have to be. Layer close कर लेते हैं. Layer close. अब देखिए मेरे टास्क का नाम यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं अभी टास्क का नाम याद नहीं आया, अभी इसने टास्क को हासिल नहीं किया, अभी वो टास्क लेने जा रहा है मेरा जो हीरो है, यानी मैं अभी टास्क लेने जा रहा हूँ, एक लड़की है उसके पास टास्क है, उसको लेने जा रहा हूँ मैं। ये मैं यहाँ पर टास्क लेने पहुँच गया हूँ, देखो मेरे पास अभी ऑप्शन आएगा, मैं राइट की तरफ स्वाइपिंग करता हूँ। There is a task consultation. तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। Introduction. Players above level 20 can receive every task once a day from me. तो इसने introduction दे दिया। अब यहाँ पे right की तरफ swipe आएगा। Take that task. Take the task. तो यहाँ पे मुझे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। 听说于公亮将军在召集青年志士，像有什么要请事需要有人相助？于将军，这。 这真是机会难得，我先过去。चलो अपने आप ही इसके डायलॉग खत्म हो गए। अब देखो यहाँ पे मेरे टास्क का नाम क्या आ रहा है, अब ये देखो कहाँ जा रहा है ये बताएगा मुझे। अच्छा अभी तो नहीं पता। Main close bracket 5 great devils. Enter the super man from Finland to beat the 5 demons. Move for 20 players. 2 इस मॉन्स्टर को मुझे किल करना है, ये जो कैंडी वाला मॉन्स्टर है। पीछे लगाता हूँ।
23, 86, 1983, 0, 20. तीन कैंडी हो गई और ये मास्टर अब यहाँ पर नहीं है, अभी मेरी दो कैंडी बाकी रह गई है। तो हाँ, तो ये मेरे टास्क का नाम ये इसने बताया है, अभी जो मेरा टास्क ओपन हुआ है तो हाँ, तो मैं अभी डबल टैप कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे आपका जो नया टास्क होगा वो आप ये जो नया टास्क होगा वो ओपन हो जाएगा आप सभी के सामने। ये धीरे क्यों चल रहा है, मुझे इसकी स्पीड तेज करनी पड़ेगी पहले माउस में जाकर के। अब ठीक है। जैसे कि लेवल चेक करने का मैंने तरीका बता ही दिया था कि लेवल किस प्रकार से चेक की जाती है, तो आज हम सिर्फ टास्क मॉन्स्टर्स और परचेज पे ध्यान देंगे। सेटिंग्स अभी गेम्स की आपको नहीं बताई जाएंगी।来的正好，有些试炼想让你去做，你可愿意？我借你。Starting model move, NX 2700, got 1531 gold, west, Yamshi Yamushan. Yamshi Yamushan. Yamshi Yamushan. Yamshi Yamushan. Yamshi释放重地，闲人免进。Starting model move, NX 2700, got 1531 gold. 都都都，आपको ये ये वाले टास्क आपको ऐसे करने हैं। मैंने आप सबको वैसे बता दिया है कि टास्क किस प्रकार से हासिल करना है, किस प्रकार से टास्क लेने जाना है एक्टिविटी में। तो इसको मैं सोचा कि शायद इसको मैं ना ही आगे खेलूं तो अच्छा ही है, क्योंकि हमें तीन तीन चीजें। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे अपना ऑटो मूव रोक दिया क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोग शायद ही कंप्लीट कर ही लोगे, तो मुझे ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है।
हम क्योंकि जैसे कि ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो जिससे कि वीडियो लंबा ना हो, कोशिश मेरी ये रहती है। लेकिन हाँ, अब हम थोड़ा सा कुछ मेन चीज़ों पे चलते हैं। मॉन्स्टर्स, सर्चिंग फॉर मॉन्स्टर्स में चलते हैं कि मॉन्स्टर्स कैसे सर्च करते हैं। ओके, आइए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को टास्क कंप्लीट करने का तरीका पता लग गया होगा। आइए, तब तक आपको कंप्लीट करते रहना जब तक आपका एक कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपका एक ख़त्म ना हो जाए टास्क पूरा। ओके, तब तक आपको कंप्लीट करने हैं टास्क पूरे। और अगर आप लोग लेवल ज़्यादा इंक्रीज करने में इंटरेस्ट रहते हैं तो जो टाइम लिमिटेड वाली एक्टिविटी मैंने बताई थी कि आप लोग वहाँ पे अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पे अगर मैप ओपन होंगे तो ऑब्वियसली बात है उन मैप में आपको टास्क मिल जाएंगे। ठीक है, उन मैप में आपको टास्क मिल जाएंगे तो आप लोग वो कंप्लीट कर सकते हैं प्लीज़। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है कि लेवल इस इंक्रीज़ करनी है, अगर आपको लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस गेम को लगातार खेलना होगा। जब चाहे आपको इस गेम को लगातार खेलना ही होगा और टाइम टाइम पे जो टाइम लिमिट वाली एक्टिविटीयां होती हैं उनको ज्वाइन करना होगा। तो हालांकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, इसलिए मैंने कभी भी मैं सिर्फ इस गेम को सिर्फ रात को ही खेलता हूँ, बाकी और टाइम इस गेम को कभी खेलता नहीं। तो चलिए हम चलते हैं मॉन्स्टर सर्च, चलते हैं हम लोग। लेयर ओपन किया मैंने, नेविगेशन बटन पे चलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन पहला आ रहा है मेरे पास। ठीक है, कस्टम नेविगेशन, इनपुट नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स बटन, इनपुट नेविगेशन कोऑर्डिनेट बटन, मास्टर नेविगेशन बटन, इनपुट नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स बटन, मास्टर नेविगेशन बटन, मास्टर नेविगेशन बटन। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्वाइपिंग अप कर देता हूँ, मैं क्लिक भी नहीं करता वैसे। तो ये जो फर्स्ट मेरे को लेफ्ट हैंड की तरफ दिखा रहा है तो मेरे को लेवल 23 का मॉन्स्टर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि क्या बोलते हैं, ये मॉन्स्टर्स के नाम है, स्टोन फ्लावर फिश, तो ऐसे करके आप लोग इन लोग को सर्च करके इनको किल करना होता है। तभी आप जब आप लोग 19वें लेवल पर पहुंचते हैं तो मान लीजिए कि मैंने तो 19वें लेवल कंप्लीट करने के लिए 1 से लेकर 15 तक के मॉन्स्टर्स को किल किया, तब जाकर के मेरा वो जो रिचार्ज ब्रैकेट वाला टास्क था वो ओपन हुआ और उसके बाद मेरा गेम आगे बढ़ गया। मैं लेवल 23 पर ही हूँ अभी। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेवल 23 का ही मॉन्स्टर सर्च कर लेते हैं। ओके, तो मैं लेवल 23 वाला ही मॉन्स्टर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी उस मॉन्स्टर के पास जा रहा है ये। तो जैसे कि हम मॉन्स्टर्स के पास जा रहे हैं लेवल 23 के, तो ये यहाँ मेरा ऑटोमूव रुक गया क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं और मॉन्स्टर्स के तौर पे यहाँ पे लड़कियाँ हैं खासकर। ओके, तो अब इनके साथ मैं फाइट शुरू करता हूँ। मैं वेपन पे टैप करता हूँ तो ये फाइटिंग मेरी स्टार्ट रहेगी, लड़कियाँ भी मुझे मारेंगी और हम भी इनको किल करेंगे। ओके, मेरा लेयर ओपन नहीं हुआ तो मैं लेयर क्लोज कर देता हूँ पहले। अब मैं इनके साथ फाइट करता हूँ, ये जो लड़कियाँ हैं यहाँ पे जो जॉम्बी के रूप में है। Okay,
तो अभी मैंने तो ये इस प्रकार से इनको मारना है. आप चाहे तो यहाँ पर हैंगर का भी यूज कर सकते हैं. हैंगर मतलब हैंगर का भी यूज कर सकते हैं. मतलब डबल टैप एंड होल्ड रखोगे तो आपका हैंगर ऐसे यूज होगा, ऐसे यूज होगा. देखो हैंगअप में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो जो है अपने आप ऑटोमेटिक फाइट करता रहता है. फाइट तो मतलब क्या ही करता है, बस ये कि वो जल्दी जल्दी वेपन चलाते हैं, बस इसका यही फायदा है. ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी एक बार एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कैसे. तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि मॉन्स्टर्स कैसे सर्च किए जाते हैं. और ये मॉन्स्टर्स इन मॉन्स्टर्स के अंदर से सिर्फ गोल्ड्स निकलते हैं और कुछ नहीं निकलता. आप चाहे तो यहाँ पे लगातार चाहे तो कंटिन्यू फाइटिंग भी जारी रख सकते हैं. आप जितनी बार वेपन पर टैप करोगे उतनी बार फाइटिंग स्टार्ट होगी. जब आप वेपन पर टैप करना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक फाइटिंग रुक जाएगी. तो ये तब होता है जब हम किसी मॉन्स्टर्स को किल करते हैं, यानी कि हम जब खुद से फाइट स्टार्ट करते हैं. एक होता है कि ऑटोमेटिक फाइटिंग स्टार्ट होती है, उस समय तो खैर आपको फाइटिंग करनी ही पड़ेगी. लेकिन एक होता है कि हम खुद से स्टार्ट करें, ये अलग मैटर है. तो अब हम सीधा चलेंगे परचेजिंग ऑप्शन में कि हम परचेज चीज़ों को हम परचेज कैसे करते हैं. तो ये मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अपना टैप कर देता हूँ जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ को दिखा रहा है. ये आइनन पर टैप कर देता हूँ फिर से. ठीक है, ये इधर क्या होता है ये मुझे नहीं पता लगा आज तक. तो ये है जैसे वेपन मास्टर्स है, आर्मर मास्टर्स, ज्वेलरी मास्टर्स, मेडिसिन मास्टर, मेडिसिन बिजनेसमैन. तो आपको यहाँ पे जो भी लेना है, आप चाहे तो ज्वेलरी वगैरह ले सकते हैं. ज्वेलरी मीन्स आपको बताइए ना कि ज्वेलरी क्या होती है. ज्वेलरी में तो सारी चीज़ें आती है ना. ज्वेलरी में तो आपके जो गोल्ड्स होते हैं, जैसे आपके जैसे ज्वेलरी में जैसे रिंग होती है, नेकलेस होता है, आपने देखा ही होगा. तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं टाइम टाइम पे. लेकिन आप लोग को ये उसमें चेक करना होगा इन्फॉर्मेशन में, जब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको चेक करना होगा कि हाँ कि वो ये कौन से लेवल तक काम करेंगे, उस हिसाब से आपको परचेस करना है. ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए ड्रग्स परचेस कर लेता हूँ. ठीक है, ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. वेपन भी आपको ऐसे ही परचेस करने हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया कि वेपन मास्टर्स का, तो वेपन मास्टर्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वेपन परचेस करने होंगे. वो आपको वेपन मास्टर्स की तरफ ले जाएगा. जिसके पास वेपन होंगे तो अलग अलग उसके रेट होंगे. जैसे ये वाला वेपन इतने गोल्ड में होगा, ये वाला वेपन इतने गोल्ड में होगा, ये वाला वेपन इतने गोल्ड में होगा. तो आपको जो सा भी खरीदना हो तो आप वो वेपन खरीद सकते हैं. तो चलिए हम फिलहाल के लिए ड्रग्स लेने जा रहे हैं. तो मैं ड्रग्स लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग स्वाइप कर देते हैं. अभी ये बिजनेस मैन के पास, ये मेडिसिन बिजनेस मैन के पास जा रहा है. How do you go?
Compliment. Thank you, Jen. What did you do? West. What did you do? Dialogue. 藏匿不中地，闲者勿进。Then how should he?अभी देखिए मेडिसिन बिजनेसमैन के पास जा रहे हैं जहाँ से मुझे मेडिसिन परचेज करनी है मेरी ड्रग्स परचेज करना है एंड द कैन चल गो लू गो बे आओ थू गो गाओ जा यो मैं से शम या तो ये है मेडिसिन बिजनेसमैन के पास अब यहां पे ऑप्शन में देखते हैं क्या-क्या चीजें हैं यहां पे रैकेट और सर्व करते हैं बाय मेडिसिन बाय मेडिसिन बाय मेडिसिन तो यहां बाय मेडिसिन पे क्लिक कर देते हैं फिंगर स्वाइप कर देते हैं Q1 Mickey Dam. इसका प्राइस है 1000 रुपीस. तो Q1 Mickey Dam. Price 1000 gold. एक बार यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं. View information. View information. यहाँ से मतलब आप लोग information देख सकते हो कि क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं. Item type. Drugs. अब इसने जैसे नाम बताया कि drugs. ठीक है मतलब element का नाम है drugs. आगे सर्च करते हैं. Minimum level 1. Minimum level use 1. Use interval 4 with 10 seconds. Instant recover 20 HP after use with 10 seconds interval can be purchased the drug businessman. Instant recover 20 HP after use with 10 seconds interval can be purchased the drug businessman. तो इसने ये वैसे मुझे पूरी information बता दी यहाँ पे view information. आप लोग कुछ भी चीज़ खरीदोगे जैसे weapon है या jewelry है या armor है आप जितनी भी चीज़ें purchase करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है कि इस आर्मर का नाम क्या है और ये कितना यूज़ होगा कहाँ से कितना कितना तक का यूज़ होगा तो हम बैग आ जाते हैं और बाय गुड यहाँ पे हम बाय गुड्स यहाँ पे हम मेडिसिन को खरीद लेते हैं ये ऑपरेशन रिमूव करने को कह रहा है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ये सिक्योरिटी पासवर्ड डालना है जो कि सेटिंग के अंदर होता है वो हम आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे कि सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो ये मेरा पासवर्ड था जो कि मैंने डाला और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ यहाँ पे मैं आगे यस कर देता हूँ मतलब कि डबल क्लिक कर देता हूँ Please enter the number of purchases. तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि एक मेडिसिन एक 1000 गोल्ड की है ठीक है वन मेडिसिन 1000 गोल्ड तो मैं यहाँ पे डालूंगा नंबर वन यहाँ पे सर्कल बना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल डिलीट है ना मतलब दशमलव का ऑप्शन भी आ रहा है डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है तो ये नीचे मुझे स्क्रीन में आ रहे हैं मेरे पास तो यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे वन टाइप कर देता हूँ अब मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ एंटर पे तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो राइट की तरफ हम यस पर क्लिक करेंगे yes, go ahead. तो ये मैंने राइट की तरफ सेट किया और मैं इसको खरीद लेता हूँ तो ये मैंने खरीद लिया है यहाँ पे दो मेडिसिन दिखा रहा है ये अभी मैंने फर्स्ट वाली मेडिसिन खरीदी और सेकंड वाली इस मेडिसिन का नाम क्या देखते हैं व्यू इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं इसका नाम भी ड्रग्स है इसका भी लेवल वन मिनिमम लेवल यूज वन पे हो सकता है ये Recover 40 HP within 20 seconds after use. Can only be used in non-fight states. Enter fight state will interrupt the recovery effect. Can be purchased the drug businessman. Okay. तो ये information थी. New information. तो आप चाहते हो उसको भी खरीद सकते हैं. तो दोस्तों इसी प्रकार से हर एक चीज़ को purchase कर सकते हो. जैसे weapon है, jewelry है, armor है, और drugs है. यानी कि medicine businessman है. Medicine masters में मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या होता है. Medicine master की जानकारी शायद मुझे नहीं है. और वहाँ पे यदि मैं जाता भी हूँ तो शायद मुझे लगता है शायद ड्रग्स इंप्रूवमेंट करने को बोलता है शायद वो तो वहाँ पे ऐसा कुछ सीन होता है वहाँ पे जो कि जिसके आपके पास भारी मात्रा में गोल्ड होने चाहिए तो जो कि मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर सकता
तो दोस्तों आप लोग ऐसी करके ये चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए या अधिक सवाल करने के लिए आप हमारे साथ ड्रीमलैंड पर जुड़ सकते हैं, ड्रीमलैंड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि ड्रीमलैंड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग भी मुझे कुछ ना कुछ बताते रहिएगा क्योंकि मैं भी ड्रीमलैंड में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे भी ढंग से गेम खेलना नहीं आता, जितना आता है उतना मैंने आपको सिखाया। तो अब शायद मेरे पास शायद मुझे अब बताने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। तो हाँ, एक चीज़ हम बताते हैं, गिफ्ट में अगर आप लोग का एक गिफ्ट निकलता है जिसका नाम है ट्रेजर मैप, तो जो ट्रेजर मैप जो गिफ्ट में निकलता है जब आप लोग रोज़ साइनिंग अवार्ड करते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आपको वो अवार्ड साइनिंग करना है बार बार प्रतिदिन रोज़ डेली, अगर आप वो रिवॉर्ड अगर आप साइनिंग कर लेते हैं रिवॉर्ड वाले ऑप्शन में जा करके, तो जैसे कि उसमें कभी कुछ निकलता है, जैसे कभी ट्रेजर मैप निकल जाता है, तो ट्रेजर मैप में क्या होता है कि ट्रेजर मैप आपको लोकेशन ढूंढने में हेल्प करता है। ट्रेजर मैप का यूज़ इस प्रकार करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि वो आपके बैग में आ जाएगा ट्रेजर मैप, आपके बैग में वो ट्रेजर मैप आएगा, उसको डबल टैप करके यूज़ करना है। फिर उसके बाद वो जहाँ पे आपकी टास्क लिस्ट है, जहाँ पे टास्क का ऑप्शन होता है, वहाँ पर वो ट्रेजर मैप दिया रहा होगा, फाइंड यूज़ अ ट्रेजर मैप फाइंड योर लोकेशन, ऐसा करके बताएगा आपको। वो इतनी हेल्प करता है हमारे कि वो ऐसे लोकेशंस में ले जाने की कोशिश करता है जहाँ पे टास्क होते हैं, पर जिस लोकेशन में टास्क नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर वो ट्रेजर मैप हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा था जाने से पहले। तो आई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।